अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करें, सर इनके जो रिलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस जो है वो पाई जाती है, और जो फिनोमेना है सिक्योरिटी डायलमा का वो कुछ अर्सा पहले तक तो जो है वो मिलिट्री सेक्टर तक कन्फाइंड था, लेकिन रिसेंटली हमने शिफ्ट देखा, एक चेंज देखा है कि जो सिक्योरिटी डायलमा है ये दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी जा रहा है. जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डायलमा जो है वो बढ़ता जा रहा है. अगर पाकिस्तान जो है वो ग्वादर बना रहा है तो दूसरी साइड पे इंडिया जो है वो एक थ्रेट परसीव कर रहा है उसका. सेम इज़ द केस अगर चाबहार इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो पाकिस्तान जो है वो थ्रेट परसीव कर रहा है. जबकि पहले तक ये चीज़ ऐसे नहीं थी. हम लोगों की जो सिक्योरिटी जो डायलमा था इट वॉज़ कन्फाइंड टू द मिलिट्री सेक्टर. हम लोग जो है जो ही अगर कोई न्यूक्लियर इन्हेंसमेंट हुई है या फिर मिलिट्री बिल्डअप हुई है तब एकदम से थ्रेट जो है वो परसीव किया दूसरी स्टेट ने. इस चेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि इसका साउथ एशियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे जो है इसका क्या इसका असर होगा? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट फातिमा जिना यूनिवर्सिटी और खासतौर पर जो हायर डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद द लेवल ऑफ एनालिसिस and the understanding of key concepts and theories of higher that students from this university have, and that is apparent from your question itself. And I think it's a great transformation occurring in the very concept of security as it is applicable to India-Pakistan relationship, or the relationships overall in South Asia. Traditionally, the security dilemma revolved around geopolitics of the region, and as a result of this peculiar phenomena, you had great powers also intervening in the region. We had two great wars next door in Afghanistan, one in the 1980s, then the war on terror. But what is happening now is that instead of geopolitics, competition or even cooperation among countries and extra regional players, their involvement in the region is shifting from geopolitics to geoeconomics. See. And I look at it in a very positive light. See. That you had geopolitics and there was always a greater tendency towards conflict, wars and intervention. But when you start to have geoeconomic perceptions, be it India or Pakistan, I think there are greater chances of competition turning into cooperation rather than competition leading to conflict. So this is a healthy trend. If countries are competing with each other for purely economic interests, then I eventually think there is always a probability of this competition turning into cooperation. तो मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लाइट में लेता हूँ कि पास्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान जो था कोल्ड वॉर में अमेरिका का एलाई रहा, इंडिया का एक फसाद था नॉन अलाइनमेंट का, बट इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कम्युनिस्ट सोवियत वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. रोल्स वर रिवर्स्ड, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप ओवरऑल फ्लरिश किया, पाकिस्तान भी एक स्ट्रेटजिक एलाई रहा है अमेरिका का. लेकिन इस पूरे इराक के अंदर आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैव कंटिन्यूड, वॉर्स हैव टेकन प्लेस एंड कॉन्सिक्वेंटली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हैज अकर्ड नॉट नेसेसरी इन अफगानिस्तान बट आल्सो इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर इन द रीजन. अभी अगर बात हम करें तो चाबहार एक तरफ है, ग्वादर दूसरी तरफ है, तापी पाइपलाइन की बात हो रही है पिछले 20 साल से, उसमें काफ़ी सारी कंक्रीट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, कासा 1000-2000 का प्रोजेक्ट है. तो अभी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान एज अ
corridor of trade, investment and energy in the region between Central and South Asia. अभी बात ये हो रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारी डायनामिक्स शिफ्ट हो चुकी है. तो आपका जहाँ तक क्वेश्चन है कि वो समहाउ सिक्योरिटी डायलेमा हैज वर्सेंड, मेरा आंसर है कि ये आई थिंक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं कि जब इकोनॉमिक्स पे बात आए ना तो फिर कंट्रीज स्टार्ट टेकिंग देयर रिलेशनशिप्स वेरी सीरियसली. ऑब्वियसली इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स प्रेफरेंस बन जाए तो उसमें मतलब तीन लेवल्स पे आपको देखना चाहिए ना, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन मेरे ख्याल में बड़ी हेल्दी चीज़ है. नेशंस मस्ट कम्पीट विद ईच अदर. कॉम्पिटिशन से फिर जो आगे अपना तरक्की होती है और अपना रीजन डिवेलप होते हैं. और कंपटीशन के अंदर ग्रेटर चांसेस होते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर या एक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन या प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर ओन नेशन मद्देनजर रखेंगे तो यू आर लेस प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर एंड इंटरवेंशन एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टेट इंडिया पाकिस्तान में. तो मैं इसका सवाल का जवाब इस पे एंड करता हूँ कि मैं ग्वादर और चाबहार में कोई खास फर्क महसूस नहीं करता. दोनों एक तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कंपेटेबिलिटी ज़्यादा है पोटेंशियली इन फ्यूचर रादर देन कि इट लीडिंग टू अ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो सर ये मुमकिन है कि एक ऐसा रीजन जो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, वहाँ पे जो दो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं उनके दरमियान प्रॉक्सिमिटी भी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, उस सिचुएशन में जो है वो एक कंपेटिटिव नहीं होंगे, इनफैक्ट वो एक कोऑपरेशन इमर्ज करेंगे. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? देखें इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया पाकिस्तान के लिए भी है, साउथ एशिया के लिए भी है, सेंट्रल एशिया के लिए भी है, चाइना के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है. ठीक. क्योंकि मेरे ख्याल में जैसे मैंने अभी पिछला जवाब आपका कंक्लूजन में कहा कि तापी कासा 1000 चाबहार ग्वादर सी पैक ये सारे कंपैटिबल प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है, डाइवर्जेंस कम है. ठीक है. ठीक है कि आप देखें कि अमेरिका जो है या यूरोपियन यूनियन है, इट लुक्स एट सी पैक वेरी पॉजिटिवली. जो चाइना का सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स है या अमेरिका का सिल्क रोड प्रेफरेंस है टापी की शेप में, इसमें भी कंपैटिबिलिटी है. ठीक है. ये वाहिद वो एरियाज इमर्ज किए हैं जिसके अंदर रशिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, इन तमाम के इंटरेस्ट जो है ना कन्वर्ज करते हैं. ठीक है. ये सूरत हाल कभी भी हिस्ट्री में हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. सही. ठीक. अब चैलेंज ये है इस वक्त कि इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह हार्नेस करें. और वो हार्नेस इसीलिए हो सकता है कि किसी तरह पाकिस्तान भी अपनी जो प्रेफरेंसेस है, पॉलिसी प्रेफरेंसेस, उसको ऐसी तरह रीशेप करे कि इंटरनल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान की जो रीजनल आइसोलेशन है वो ख़त्म हो, पाकिस्तान के जो दरीना इख्तलाफात हैं अफगानिस्तान के साथ, समा ईरान के साथ भी और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, वो ख़त्म हो. तो वो सारी चीज़ें जो है ना, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल राइट नाउ कि हम एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को भी तरक्की होगी और इस खत्ते को भी तरक्की होगी, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है ताल्लुकात की, वो भी समहाउ एक अपना किसी ना किसी तरह डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में किया जाए. सर जिस आपने इसको पॉजिटिव लाइट में जो है इसको कंक्लूड किया है, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे ज़्यादा सीरियस जो प्रॉब्लम है कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू को रिजॉल्व किए बगैर डू यू थिंक ये पॉसिबल है? देखिए वन लाइन आंसर ये है कि जब तक आप जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स उनको एक वायबल हल नहीं निकालेंगे तो उससे मामला जो है वो गड़बड़ी रहेंगे. ठीक है. अब जाहिर है कि पाकिस्तान की भी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर वो फ्लक्चुएट करती रही है. कभी हम यूएन सेटलमेंट में थे, फिर अपना बायलैटरल नेगोशिएशंस पे चले गए कंपोजिट डायलॉग पे, अब दोबारा यूएन रेजोल्यूशंस की बात होती है, फिर पाकिस्तान ने समा ओवरलुक भी किया कि सारा ये जिहादी इन्फिल्ट्रेशन हुई 90s के अंदर. सही. तो उससे जो अपना मेरे ख्याल में जो कश्मीरी सेंट्रल क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ डिटरमिनेशन,
और काफ़ी उससे उसको धचका पहुंचा। अभी आई बिलीव कि कश्मीर एक ऐसी स्टेज में चला गया है कि जहाँ पे जो उनकी अपराइजिंग है वो इंडिजिनस है, इट इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान, और वो एक यूथ ड्रिवन फ्रीडम मूवमेंट है। एंड आई थिंक मोर देन पाकिस्तान, आई बिलीव इंडिया के प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट के अंदर है कि वो कश्मीर का मसला या और दरीना जो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करे, ताकि जो ओपनिंग हमें मिल रही है रीजन के अंदर उसमें हिंदुस्तान भी भरपूर तरीके से शामिल हो। पाकिस्तान तो यानी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें जो ऑप्शन मिल रही हैं उनको खुली तौर पर एक्सरसाइज करें। तो कश्मीर का मसला हल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ दूसरी भी चीज़ें जो अटैच्ड हैं टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स वो भी हल करना ज़रूरी है। सर, टॉकिंग अबाउट ग्वादर, आपके ख्याल में इसमें इतनी पोटेंशियल है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आएगा पाकिस्तान में? वो देखें जी, वो मुल्क पे डिपेंड करता है, उसकी लीडरशिप पे करता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसको किस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे और उसके ज़्यादा बेनिफिट सीख करे उससे। ठीक, जाहिर है कि कुछ ना होने से तो बेहतर है ना, कि पाकिस्तान के लिए तो ये सी पैक इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इसको हमेशा जो हमारी नेशनल साइकी है, हम हर चीज़ को जो है ना अपना भी ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन के अभी गेम चेंजर फेट चेंजर एक बिल्कुल रिटोरिकल इमोशनल उसके अंदर ले रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो उसमें जाहिर है कि हमारे बेनिफिट्स भी हैं, इसकी कॉस्ट भी हो सकती है। चाइना इज़ आफ्टर ऑल अ ग्रेट पावर, अगर चाइना कोलैबोरेट कर रहा है तो प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, इसमें वो डीपर देन ओशन और स्वीटर देन हनी और ये प्रोपोजिशंस नहीं चल सकती। आफ्टर ऑल एज यू नो के रिलेशन जो कंट्रीज के अंदर हों, बिग स्मॉल इट डजंट मैटर, वो इंटरेस्ट के बेस पे होते हैं। अब चाइना नीड्स टू रीच आउट टू अदर रीजन्स इन द नेबरहुड, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैग्नेशन का शिकार है, और इट रिक्वायर कर रही है कि वन बेल्ट वन रोड, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हालांकि सी पैक इज़ नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन म्यांमार भी है, इंडिया भी है, और श्रीलंका है, सारे बांग्लादेश इवन, तो वो थ्रू रोड्स एंड पोर्ट्स अपनी इकोनॉमिक जो और ट्रेड लिंकेज बढ़ाएंगे, और ये रीजन भी डिवेलप होंगे, पाकिस्तान भी डिवेलप होगा। लेकिन इसमें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हम सीख करें वो लीडरशिप और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज आई सेड बिफोर, लेकिन इसको फुली हार्नेस करना जो है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि चीन को ये बेनिफिट करेगा, लेकिन हमें इससे भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि इसको ज़्यादा अपना एग्जैजरेट ना करें। ठीक, और ये स्लो मूविंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इसमें अगर पाकिस्तान राहदारी प्रोवाइड करता है या पाकिस्तान की एनर्जी या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बेहतर होता है तो क्या मज़ायका है। मतलब आप देखें ना कि एक ऐसा कंट्री कि जो पिछले 10-15 साल से एक ट्रेजेडी एंड मेहम का शिकार है, 60-70 हज़ार लोग मर गए, वॉर ऑन टेरर की इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के लिए हॉरेंडस है। ठीक है, इस स्टेट के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, परहैप्स वी डिड नॉट इवन डिजर्व इट जो हमारे करतूत थे, लेकिन आपको मिल गया ये, और ये इसलिए मिला कि चाइना इज मेकिंग अ डिफरेंस एट द इंटरनेशनल लेवल एज अ कंट्री हुज इकोनॉमी हैज ग्रोन इन द पास्ट 30+ years। उस ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है कि वो इट रीचेज आउट, और हमारे लिए तो बेहतर है कि बिकॉज वी हैव बीन वेरी क्लोज ally of China, even at a time when the entire world was isolating China, was not even diplomatically acknowledging China, और हम उनके साथ through thick and thin we stood by each other, तो हमें तो ज़्यादा अपना benefit seek करने चाहिए। तो वही हो रहा है कि इस वक्त CPAC जो है it is I think the most important project from among all the projects which are part of the One Belt, One Road policy. तो अब इस अपॉर्चुनिटी को हमें खुद भी बेनिफिट करना चाहिए, और हमें कन्विंस करना चाहिए नेबरिंग स्टेट्स को, ख़ास तौर पे इंडिया को, कि उनका इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में है कि वो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करें,
क्योंकि अगर इंडिया ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है या और ग्लोबल जो उनके एम्बिशंस हैं या रीजनल एम्बिशंस हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करें, पाकिस्तान की जो इस वक्त ओपनिंग्स मिल रही हैं रीजन के अंदर दे शुड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए।